भाई कितना बड़ा डोसा है भाई। दो बंदे लग रहे हैं हमारा डोसा लेके आने के लिए, तीसरा बंदा अभी पहुंच गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय फूड क्रश एंड वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम आए जनकपुरी C4E के अंदर। यहाँ पे मिलता है बिगेस्ट डोसा वो ट्राई करने। और यार जो उसका प्राइस है ना भाई, प्राइस सुनते आप लोगों को शौक लग जाएगा कि वो इतना सस्ता कैसे है। तो वैसे इसलिए वीडियो को पूरा देखना, चलो आपको इनकी मेकिंग दिखाते हैं। और प्राइस सुने बिना वीडियो खत्म मत करना, क्योंकि प्राइस सुनते ही आप सबको लगेगा शौक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो हम भी सुन के हैरान थे, इसलिए हम आए हैं स्पेशली आज वीडियो बनाने। चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, आ जाओ। तो गाइस, हमारे बिगेस्ट डोसे की मेकिंग शुरू हो गई है। और अभी बहन ने तवे के ऊपर डाला डोसे का बेस, और ऐसे लगभग 3 बेस बनेंगे और उनको जोड़ा जाएगा, फिर जाके हमारा बिगेस्ट डोसा कंप्लीट होगा। तो जो पहला बेस ही लगाया गया है, इसी का साइज़ देखो, इसी का साइज़ कितना बड़ा है। ये हमारा आ गया सेकेंड। यार जो लोकेशन है वो है क्रेजी डोसा जंक्शन जनकपुरी C4E। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर लोकेशन जो है पिन कर देंगे। एक मिनट रुक, अरे चलो मिनट करो करो भाई। ये आ गई हमारे डोसे की फिलिंग, ये फिलिंग डाली जाएगी इसके अंदर। डोसे का साइज़ देखो एक बार, भूरे तवे जितना साइज का डोसा। लोकेशन ये क्रेजी डोसा जंक्शन। तोड़ना मत भैया, तोड़ना मत भाई। हमारा डोसा बन के रेडी हो गया। अभी इसकी प्लेटिंग की साइज़ देखो एक बार, कितना बड़ा डोसा है ये। पूरा तवा जितना ही है ऑलमोस्ट साइज़ में। भाई दो बंदे लग रहे हैं हमारा डोसा लेके आने के लिए, तीसरा बंदा भी पहुंच गया। ये हमारा डोसा बनके रेडी हो गया है। ये हमारी नारियल की चटनी भैया। ये वाली कौन सी चटनी है, लाल वाली? टमाटो वाले, कोकोनट टमाटो। और भी चटनी मिलेगी इसके साथ की? यही है दो चटनी, ठीक। और स्टार्ट। सो गाइस, ये देखो हमारा डोसा बन के रेडी हो गया है। एक बार लेंथ देखो डोसे की, 3 प्लेट लगी है इसको लगाने के लिए, फिर भी ये तीसरी वाली प्लेट से बाहर जा रहा है। भाई कितना बड़ा डोसा है, और जिसका प्राइस है सिर्फ सुन के हैरान हो जाओगे, 210 रुपये का ये प्राइस है। और जो लोकेशन है वो है जनकपुरी डोसा जंक्शन C4E मार्केट। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लोकेशन पिन कर दी है,
बार इतना बड़ा डोसा है मेरे को तो अकेला लग नहीं रहा मैं ख़त्म कर पाऊँगा, आप सारे आ जाओ, हम सारे भाई लोग मिलके खाते हैं। और आप लोग कमेंट भी करते हो कि यार फ़ोन में से खाना निकालने की टेक्नोलॉजी निकाल दो तो वो भी मैं जल्दी से इन्वेंट करता हूँ, फिर सारे मिलके खाएंगे। तो अभी मैं आपको एक बार फिलिंग दिखाता हूँ उस डोसे की, बीच में से तोड़ के देखो फिलिंग इसके अंदर भर रखी है, एकदम पेपर क्रस्ट का डोसा है ये, पूरा भरा पड़ा एकदम गर्मा गर्म डोसा है, फिलिंग अच्छी खासी है इसकी। तो अभी एक बार इसकी बाइट लेते हैं। और डोसा तो मेरे को वैसे बहुत पसंद भी है, इसके साथ हमें एक तो कोकोनट की चटनी मिली और एक टमाटो की चटनी है और ये हमारा सांभर। अभी इनकी चटनी है वो भी बहुत गाढ़ी लग रही है देखने में, और भी बाइट करके देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है डोसा, और नारियल की चटनी यार बहुत ज़्यादा थिक है, मतलब पानी जैसी नहीं है, मज़ा आ गया खाते ही। और जो सांभर है वो भी बहुत अच्छा है यार, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये। और जिसका प्राइस है वो तो बहुत ही ज़्यादा कम है, मैं तो रोज़ ही खाने आऊँगा यहाँ पे। तो अब एक और बार बाइट लेते हैं इसके टमाटो की चटनी के साथ। यार सांभर तो बहुत अच्छा लगा मेरे को इनका, इसलिए मैंने तीन कटोरी ले ली, तीनों पी जाऊँगा। भाई अल्टीमेट टेस्ट है, मज़ा आ गया खा के मेरे को तो, टू गुड। तो आओ यार एक बार सिर्फ सांभर खा के देखते हैं। ये देखो ये इनके सांभर में, एक बार सांभर दिखाता हूँ आपको, बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल रखी हैं इन्होंने इसके अंदर, और बहुत थिक है देखने में, आप लोगों को दिख रहा होगा पानी जैसा नहीं है। देखो तो एक बार सिर्फ सांभर भी खा के देखते हैं। भाई बहुत मस्त है, मज़ा आ गया खा के, बहुत अच्छा टेस्ट है हर एक चीज़ का। और जो प्राइस है वो तो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है, सिर्फ 210 रुपये में इतना बड़ा डोसा मिल रहा है आपको, मतलब पूरा फैमिली पैकेज है। तो घर वालों के साथ आना शाम को, यहाँ पे कभी भी आ सकते हो। और यार जो यहाँ की शॉप टाइमिंग्स हैं वो है 9 to 11, लोकेशन डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से चेक कर सकते हो। और भाई मैं चला इस डोसे को ख़त्म करने, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और आके इस डोसे को ट्राई करना। सब तक के लिए ओके बाय।